वो तो झांसी वाली रानी। Your Excellency, what's the problem? After all, इन्होंने भी वही गुना किया जो शिवा और भीमा ने किया था, treason. और आपके कोर्ट में fair justice होता है ना? So then, how can we treat her differently in this case? आपने उन अपराधियों को छुड़ाकर बहुत बड़ा विद्रोह किया। जवाब दीजिए, इतनी बड़ी गलती आपने क्यों की? हमने कोई गलती नहीं की, क्योंकि हमने अन्याय का नहीं न्याय का साथ दिया। हम चाहते तो ये कार्य छुपकर भी कर सकते थे, पर हमने एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह सामने से वार किया और उस अपराध को होते हुए रोक लिया। महाराज, हमने जो भी किया क्रांति के लिए किया, अपने देश की आजादी के लिए किया, क्योंकि आजादी लड़कर मिलती है, भीख में नहीं। हमारी मातृभूमि गुलामी की बेड़ियों में करहा रही है और हम ये कंगन पहनकर इटलाएं? नहीं, हमें हमारे किए पर कोई पश्चाताप नहीं है, इसलिए हम हर सजा के लिए तैयार हैं, क्योंकि आजादी की भूख जिनमें होती है उनका पेट रोटी से नहीं गोलियों से भरता है। आज जो कुछ भी हुआ हमारी आंखों के सामने घटित हुआ। क्रांतिकारी भारत, आप सब हमारे रथ पर चढ़ जाइए, और इसीलिए सुनवाई के गवाह भी हम ही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा था मणिकर्णी का, कि शास्त्रों के अनुसार एक राजा भगवान विष्णु की तरह पालनहार होते हैं। और हम आपको याद दिला दें कि शास्त्रों में यह भी लिखा है कि एक राजा का परम कर्तव्य है अपराधी को दंड देना। निर्णय लेने से पहले हम आपसे अंतिम बार पूछना चाहते हैं कि आपने ये सब क्यों किया? Maharaj is going soft on her. I will have to manipulate him. Your Excellency, आज इन्होंने न केवल उन क्रिमिनल्स को बचाया, बल्कि भारत, the main leader behind this militant organization, उसका भी हेल्प किया और वो हमारे हाथ आते आते रह गया। क्रांतिकारी भारत, आप सब हमारे रथ पर चढ़ जाइए। चल मार्तंड, हमारे शेर। कैसे आंसर करेंगे आप जब ये बात कलकत्ता फोर्ट विलियम में वाइस रॉय साहब के पास पहुंचेगी? शी हैज रेस्क्यूड आवर एनिमीज एंड विद दिस एक्ट she has opened the floodgates of dissent. Maharaj, it will only lead to your humiliation and scandals in the future. Are you willing to risk the reputation of Jhansi and the peace of your people? Chup kyun hain aap? क्या आपको अपनी गलतियों का एहसास तक नहीं? क्या आपको इन कलाइयों के कंगनों ने अपनी महारानी की जिम्मेदारियां याद तक नहीं दिलाई? क्यों किया आपने ये विद्रोह? ये कंगन है, कोई बंधन नहीं जो हमें आजादी के मार्ग पर चलने से रोक सके। और जहां तक बात है जिम्मेदारी की, हमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, और जिसे विद्रोह की संज्ञा दी जा रही है वो हमारा कर्तव्य था।
और इसलिए हमें कोई पश्चाताप नहीं है। बहुत मनमानी कर ली इन फिरंगियों ने, पर अब नहीं, अब समय आ गया है इन फिरंगियों पर लगाम कसने का। और अब तो बस शुरुआत है महाराज, आने वाले मोड़ पर इन्हें मिलेगी करारी हार। हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब। रिश्तेदार की एक सीमा होती है जिसे आप पार कर चुकी हैं। मैं पहले से ही लगा था कि आप अशिष्ट हैं, पर फिर भी हमने आप पर भरोसा करके अपनी पूरी प्रजा के समक्ष आपको महारानी बनाने का निर्णय लिया। और आपने हमारे उसी भरोसे को तोड़ा। कहा था ना हमने आपसे कि ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे हमारे ऊपर प्रश्न उठे, और आप नहीं मानी। एक स्त्री जो अपने होने वाले पति की बातों का मान न रख सके, वो महारानी तो क्या पत्नी बनने लायक भी नहीं है। और इसीलिए हम गंगाधर राव नेवलकर मणिकर्णिका से विवाह करके उसे झांसी की महारानी बनाने का हमारा निर्णय बदलते हैं। और दंड स्वरूप मणिकर्णिका को अभी के अभी झांसी से निर्वासित करते हैं। और आदेश देते हैं कि मणिकर्णिका भविष्य में कभी भी झांसी में कदम न रखने पाए। धोखे का खेल चरम पर, हमें भरोसा है सिर्फ हम पर। चले जाइए यहां से और फिर कभी हमें अपना चेहरा नहीं दिखाइएगा। बट महाराज, वाई ओनली बैनिशमेंट? ये इंसिडेंट सबको इंस्पायर करेगा अगर आप इन्हें सबवियरस पनिशमेंट नहीं देंगे। हर क्राइम इज एज बिग एज द क्राइम ऑफ दोज क्रांतिकारीज। वी मस्ट अरेस्ट हर। गार्ड्स, कैप्टन रॉस। ये मत भूलिए, ये झांसी की होने वाली महारानी थी। और कौन से अपराधी को कौन सा दंड देना है इसका निश्चय हम करेंगे कैप्टन रॉस, आप नहीं। और किसी के लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि उसका पूरा जीवन यही सोचते हुए निकले कि उसकी गलतियों ने उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पद ही छीन लिया। आप जा सकते हैं कैप्टन रॉस। बिठूर में वापस भेजने का प्रबंध किया जाए। ये कंगन केवल साज श्रृंगार नहीं है बल्कि झांसी की महारानी की पहचान है। महाराज, ये लीजिए आपकी अमानत। अगर हम झांसी की महारानी नहीं बन सकते तो इन कंगनों का भार भी नहीं उठा सकते। इनके भार उठाने की क्षमता भी नहीं है आप में। और गलती आपकी नहीं, गलती हमारी है, क्योंकि इन कंगनों के लिए सही कलाइयों का चुनाव करना हमारा कर्तव्य था। अगर हमने सही चुनाव किया होता तो इस विषम परिस्थिति का सामना ना तो आपको करना पड़ता और ना ही हमें। अहिनी साहेब, आप इनसे ये कंगन ले लीजिएगा।
महाराज ऐसा कैसे कर सकते हैं? विवाह प्रस्ताव है कोई मजाक नहीं जो जमन में ठुकरा दिया। इस प्रकार तुम्हें झांसी से निष्कासित कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूं। नहीं बाबा, अब बात करने का कोई लाभ नहीं। महाराज के निर्णय से हमें कोई दुख नहीं है। हमें तो इस बात की खुशी है कि हमने अपने आदर्श भारत को ना तो केवल देखा बल्कि उनकी जान बचाने का सौभाग्य भी मिला हमें। भारत भी शिवा भाव और भीमा भाव को बचाने आए थे। अगर आप होते तो आप भी उन्हें देख पाते। पता है बाबा, क्रांतिकारी भारत के केवल एक झलक ने हमें जीवन की कितनी बड़ी सच्चाई से अवगत कराया। कैसी सच्चाई? यही कि देश की रक्षा और आजादी के लिए महारानी बनना आवश्यक नहीं है, साहस और दृढ़ निश्चय काफी है। देखिए ना बाबा, आज हमने अपने आदर्श भारत की रक्षा की, क्रांतिकारियों को आजाद किया, और आजादी तो हमारे जीवन का उद्देश्य है ना बाबा। बाबा, हम जानते हैं आपको हमारे भविष्य की बहुत चिंता है, पर हो सकता है हमारे भविष्य झांसी भी नहीं, कहीं और हो। शायद क्रांतिकारी भारत के साथ आज की घटना से प्रभावित होकर आदर्श भारत हमें अपने क्रांतिकारी दल का हिस्सा भी तो बना सकते हैं ना। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, पर दुर्भाग्यवश मैं तुम्हें अपने क्रांतिकारी भारत होने का सच नहीं बता सकता। कोई भी खुशखबरी तब पूरी होती है जब मुंह मीठा होता है। भवानी, राज साहब का मुंह मीठा करवाओ। राज साहब, माना कि आप भारत को पकड़ने में असफल रहे, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि किसी एक असफलता के कारण बाकी सारी सफलताओं के लिए अपनी खुशी मनाना ही छूट दें। ये सोचिए कि जिस लड़की ने हमारी नाक में दम करके रखा था वो हमेशा के लिए हमारे जीवन से दूर जा रही है। हमारी जीत हुई है रॉस साहब, जीत, आधी जीत। उस लड़की ने जो चाहा वो किया, उन क्रिमिनल्स को भगाया और वो भारत को बचाया। हाँ, मगर उसे उसकी सजा भी तो मिली। नहीं, ये सजा काफी नहीं है। Neither did she feel humiliated, nor did I see the fear or regret in her eyes. हाँ, मगर उसका महारानी बनने का सपना तो चूर चूर हो गया ना। इससे बड़ा दुख किसी के लिए और क्या हो सकता है? उससे बड़ा दुख है personal vendetta. बस कुछ ही दिनों में उस आफत मणिकर्णिका ने आपका जीना हराम कर दिया। Just imagine, पिछले 14 साल से वो भारत मुझे नासूर की तरह चुभ रहा है, and I'm not able to get a hold of him. और personal vendetta क्या होता है? ये आप तब समझते। If Manikarnika was to stay back and deliver an heir, Your Majesty. हाथों में जंग लग गया है क्या? इतनी देर में इतना ही गेहूं पीसी हो? रोटी तोड़ने बैठती हो तो खरगोश की तेजी आ जाती है, और काम करने बैठती हो तो कछुए की सुस्ती। हे राम, धरती पर बोझ हैं सबके सब। याद रखो, जितना काम उतना भोजन मिलेगा। चलो जल्दी। क्या देख रही है ऐसे? पहली बार मेरा मुंह देख रही है क्या? हाँ, पहली बार हमारे मुंह से खुशखबरी जो सुनोगी